तो दोस्तों मार्केट में आ गया एक ऐसा जूस निकालने वाला मशीन जिससे आप कहीं पर कभी भी जूस निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये मशीन में बड़े ही आराम से संतरा वगैरह का जूस निकाला जा रहा है और बहुत ही आसानी से ये ग्राइंड कर दे रहा है और इसे जूस निकाला जा रहा है। तो मैंने भी मंगा लिया ये जूस निकालने वाली मशीन। अब चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये सही में जूस निकाल पाता भी है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये रहा हमारा मशीन, जैसे कि आपने वीडियो में देखा था ये सेम मेरे पास आ गया है और साथ ही साथ इसके अंदर भी कुछ सामान दिए हुए हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये शायद मेरे ख्याल से इसमें लटकाने वाला दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप इसको करके लगा सकते हैं और इसको ऐसे कुछ करके लगा देना है। तो इसको तो बाद में भी मैं करूँगा, अभी इसको साइड में रख देता हूँ। और साथ ही साथ इस पर एक डाटा केबल मिला है जिससे इसकी मदद से आप इसको चार्ज करेंगे, कोई भी मोबाइल का अडैप्टर लगा के यहाँ पर ऐसे चार्ज करेंगे। इसको भी मैं साइड में लगा देता हूँ। और यहाँ साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट की फीचर्स दिए हुए हैं और ये स्पेसिफिकेशंस है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अगर इसको खरीदना है। और अभी आगे देखते हैं कि इसमें सही में जूस निकाल पाता भी है या फिर नहीं, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस जूस ब्लेंडर में ग्राइंड करने के लिए दो सेब ले लिए हैं, एक टमाटर ले लिया है, दो गाजर ले लिए हैं और दो अनार ले लिए हैं और ये दो है हमारा ऑरेंज। तो ये सारे चीज़ को मैं आज इसमें ग्राइंड करके देखने वाला हूँ कि क्या भैया ये सही में जूस निकाल पाती भी है या फिर नहीं, या फिर आपको वीडियो में ऐसा ही दिखाया जाता है और बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो और देखिए आप ये पूरा एंड तक वीडियो और आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे कि भाई ये इन चीज़ों पर आपको अपना पैसा लगाना चाहिए भी या नहीं, या फिर आप लोग वीडियो में देखते हैं और सीधा कमेंट में लिखने लगते हैं भैया कि हाँ मुझे ये चाहिए, कितने का पैसा का है। तो ये वीडियो देख के आप पूरी तरीके से पहले क्लियर हो जाइए, उसके बाद ही इन चीज़ों के ऊपर अपना पैसा लगाइए। तो दोस्तों इस जूस ब्लेंडर के ऊपर सबसे पहले हम लोग अनार का जूस निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ मैंने अनार छील लिया है पहले से और इसके ऊपर मैं ऐसे करके पूरा कुछ इस प्रकार से डाल देता हूँ। पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ और इसको अभी यहाँ पर ग्राइंड करके देखेंगे कि क्या ये सही में वर्क करता है या फिर नहीं। तो मैंने सारा ये डाल दिया है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसका जो मोशन घूमेगा इस उस टाइम तो ये अच्छे से घूम पाए। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मात्रा में पानी डालेंगे, नहीं तो फिर ये फीका फीका लगने लगेगा। बहुत हल्का सा मैंने पानी डाला, आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डालें। और उसके बाद इसको ऐसे लगा देंगे और अब इसको ग्राइंड करना चालू करते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर डबल टैप करने से आपका चालू हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं इसके ऊपर डबल टैप करता हूं तो ये चालू हो जाएगा। तो जैसे कि देख रहे होंगे ये चालू हो गया, डबल टैप मैंने किया है तो, और ये ज़्यादा लोड हो जाने के कारण ये अपने आप बंद हो जा रहा है। तो मैंने शायद ज़्यादा ही अनार डाल दिया इसमें एक्सपेक्ट करके, तो उसको थोड़ा सा ऐसे सेक करके चला लेंगे। धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके ब्लेंड करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे, जैसे कि देख पा रहे होंगे पूरे अच्छे तरीके से इसने चालू कर दिया है। अब फिर से इसको डबल टैप करेंगे, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये चालू हो गया कुछ ग्राइंड होना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसको जब हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं तो एक चीज़ इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि जैसे देखिएगा आप, इसमें डबल टैप करूँगा ये चलेगा लेकिन ये थोड़ी देर के बाद अपने आप बंद हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको चालू किया देखिए, जैसे कि अपने आप थोड़ा देर के बाद बंद हो गया। तो एक चीज़ ये इसमें प्रॉब्लम है, फिर से मैं ट्राई करता हूँ। तो ये अपने आप बंद हो जा रहा है, मेरे ख्याल से ये पूरा ग्राइंड हो गया है। चलिए इसको निकालते हैं यहाँ से। लेकिन एक चीज़ ये भी प्रॉब्लम है अभी भी कि ये ऑटोमेटिक से बंद हो जा रहा है और स्टार्ट होने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ले रहा था। और ये अब तो अच्छे से ग्राइंड हो सका मेरे ख्याल से, तो इसको मैं निकालता हूँ। तो इसका ऊपर वाला खोलिएगा, ठीक है, ये दो खुलता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। एक ये पूरा खुलता है डालने के लिए और एक ऊपर खुलता है इसको निकालने के लिए। और यहाँ पर इसका ये जाली भी बना हुआ है आराम से, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और मैं अब इसको यहाँ निकालता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर अनार का जूस निकाला और इसके अंदर मेरे ख्याल से पानी चला गया। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं इसको यहाँ पर डबल टैप करके ऑन कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। मैं बेसिकली ये दो संतरे का मैं जूस निकालने वाला था अभी, तो मैं इसके ऊपर जब ये डबल टैप करके मैं देख रहा हूँ तो शायद मेरे ख्याल से इसके अंदर पानी चला गया है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये टोटली वेस्टेज प्रोडक्ट है। आप अपना पैसा इन सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल मत लगाएं। आप लोग वीडियो में देखते हैं इन चाइनीज़ प्रोडक्ट को और आप झट से ख़रीद लेते हैं कि भाई ये मेरे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन आप जानते ही नहीं है कि भाई ये प्रोडक्ट काम करता है या फिर नहीं। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जो भी इन तरह का प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई हाँ ये देख लिया तो मुझे लेना है, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि भाई ये प्रोडक्ट बिल्कुल टोटली वेस्टेज प्रोडक्ट है, इस पर पैसा ना लगाओ। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि भाई क्या इन सब चीज़ों के ऊपर
आपको अपना पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं, ये तो अभी तक आपने डिसाइड कर ही लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।